नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में एक नया प्रोग्राम ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका जग जाहिर फार्मूला है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये हमें सी लैंग्वेज में बनाना है और सी लैंग्वेज में बना लेंगे इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमको इसको एक मशीन का फॉर्म देना है ताकि उस मशीन का इस्तेमाल करके दुनिया जो है डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सके वैल्यू को। तो उसको प्रोग्रामिंग कोड में कैसे बनाया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। ये बहरहाल आप हमारी वेबसाइट से जाके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट इन सी लैंग्वेज। ये कोड है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है कोड ब्लॉक पर और यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 लाइनों का प्रोग्राम आ गया है। दोस्तों मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये हमने हेडर फाइल का इस्तेमाल किया, मेन फंक्शन के अंदर पूरा सी लैंग्वेज रन होता है। मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक का नाम सेल्सियस है, एक का नाम फ़ारेनहाइट है, और फ्लोट में लिया है दोस्तों क्योंकि सीधा सीधा सवाल है कि अगर 45.44 अगर डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में करने के लिए भी दशमलव में वैल्यू आएगी, और क्योंकि फार्मूले में 1.8 से कैलकुलेट करना होता है तो बहुत अच्छा होगा कि हम फ्लोट ही ले लें। इंटीजर को तो प्रिंट करेगा ही करेगा लेकिन फ्लोट वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, क्यों प्रिंट कराऊँगा, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में सामने वाले से कहेंगे कि आप टेम्परेचर को एंटर कीजिए और सेल्सियस नाम के वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया है। परसेंटेज एफ लगाया जाता है फ्लोट वैल्यू को स्टोर और प्रिंट करने के लिए। मैंने फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर एक कैलकुलेशन लगाई इक्वल्स टू, ये फार्मूला है दोस्तों जो कि सब जगह यही फार्मूला बताया जाएगा क्योंकि हम उसको कोड कर रहे हैं। तो मैंने वेरिएबल के अंदर एक ब्रैकेट में 1.8 इंटू सेल्सियस, अब सेल्सियस की वैल्यू जो भी आएगी, मान लीजिए सेल्सियस की वैल्यू आने वाली है, मान लीजिए 30 डिग्री आने वाला है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे स्टोर होगा और इस सेल्सियस के अंदर आ जाएगा, ये यहाँ आपको मिलेगा। तो पहले इनटू होगा क्योंकि जब बॉड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये रूल होता है कि ब्रैकेट होते हैं फिर इनटू होता है फिर प्लस, इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। तो 1.8 इनटू 30 होगा और वो जो भी वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में 32 को कर दिया जाएगा प्लस, और ये सारी वैल्यू कहाँ आने वाली है, फ़ारेनहाइट के अंदर। और फ़ारेनहाइट को देखिए हमने प्रिंट करा दिया है परसेंटेज एफ़ की मदद से। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा, मैं रन करके आपको ये प्रोग्राम जो है दिखाता हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्पल 30 का लिया था। तो चलिए मैं यहाँ पर 30 डिग्री इंसर्ट कर देता हूँ, ये एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस 30 डिग्री। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया ये कैलकुलेट होकर इसकी वैल्यू आ गई है 86 फ़ारेनहाइट। तो आप जो भी वैल्यू देंगे दोस्तों वो उस तरीके से आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू को आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या हमारा प्रोग्राम सही बना है या नहीं। मान लीजिए मैं 46 डिग्री तापमान दे देता हूं तो फ़ारेनहाइट में देखिए ये उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान सा एक प्रोग्राम था जो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना सिखाता है। अब मैं आपको टास्क देता हूं, आप इसका प्रोग्राम बनाइए उल्टा, आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जो है इसको कन्वर्ट कीजिए, गूगल से फार्मूला लेकर आइए और इस तरीके से ये प्रोग्राम को बनाकर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारी लर्निंग का पार्ट है। 7-8 वीडियो हम बना चुके हैं, अब यहाँ से आपको खुद अपनी आइडियोलॉजी को जो है डेवलप करना होगा और अब प्रोग्राम बनाने सीखने होंगे क्योंकि ये 9-10 लाइन के प्रोग्राम देखने में छोटे हैं लेकिन जब आप इनको खुद से बनाने जाएंगे तो आपको ये थोड़े से अलग लग सकते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।